हाँ वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देख रहे हैं आप, अभी शायद बारिश का फुल मौसम हो रहा है और काली घटा आ रही है सामने। और ये मेरे बर्ड्स हैं, इन्होंने माशाल्लाह से पिछले 7वें महीने की 6 तारीख को इन्होंने एग ले आउट किए थे और वो मतलब हैचिंग नहीं कर सके। उसके बाद माशाल्लाह से फिर इसी मंथ की अगस्त की 6 को इन्होंने दोबारा एग ले आउट किए हैं। तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह इसमें इससे चिक्स आएँ बाहर। अच्छा, इस बार गर्मी इतनी पड़ी है कि किसी ने भी दोबारा कुछ प्रोग्रेस अच्छी नहीं की ना इसने। ये भी मेरा बहुत पुराना पेयर है और एक ये भी। अच्छा, ये वाला जो है ये बदकिस्मती रही है, इसमें मैंने 2 बार पेयर चेंज किए हैं। फिर क्रीम, पहले ग्रे था, फिर क्रीम डाला, क्रीम में जो है 2 दफ़ा इसकी मादा मर गई। अब ये एक न्यू फीमेल डाली है इसके अंदर। वो जो पीछे बैठा हुआ है आपको नज़र आ रहा है मट्टी के ऊपर, वो मेल है, ये फीमेल है इसकी। बट ये एडल्ट नहीं हुई है भी। और ये मेरा ब्लू पसनाटा है, उसने भी अभी तक कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं की। ये मैंने इसको फीमेल मादा दिए, वॉलेट में मिक्स है, वॉलेट और ब्लू में। पीछे जो बैठी हुई है वो फीमेल है इसकी। इन्होंने दिए हैं एग्स और देखें इंशाल्लाह के शायद ये प्रोग्रेस हो जाए इनकी अच्छी। 4 एग ले आउट किए इन्होंने। ये न्यू पेयरिंग की है मैंने, इसकी मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम पहले स्टोरी बता चुका हूँ। इन्हीं की वजह से मैं यूट्यूबर बना हूँ कि मेरी इसमें जो फीमेल मादा थी वो मुझसे उड़ गई और उसने चिक्स दिए हुए थे और बाद में मैंने हैंड फीड करवाई जिसमें से 2-3 मर गए। और फिर मैंने इसके अंदर ये नई फीमेल मादा डाली जो पीछे बैठी हुई फ़ोन में, वो इसकी फीमेल मादा है, ये मेल है। और ये फ़ोन के चिक्स हैं, 4 कोल में भी हैं और फ़ोन में भी हैं। और मेरा सबसे पुराना पेयर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सबसे पुराना पेयर है मेरा, क्रीम की फीमेल है और ये पल्ट पाइट में जो है वो मेल है इसका, ठीक है। लेकिन इसके जब भी चिक्स निकलें वो चारकोल ही निकलें या ग्रे निकलें, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन जो है वो आई थिंक ग्रे है। ये न्यू पेयरिंग की है मैंने, ये फॉरेन विस्लिंग के ऊपर रिटर्न रिप्लाई देता है, ये देखिएगा अभी। माशाल्लाह से ये फॉरेन विस्लिंग का रिप्लाई देगा आपको। और ये मेरे दूसरे चिक्स है और ये मुझसे थोड़े से इनकी सबकी दुमें टूट गई और मैंने इसलिए इनको अलग किया है कि ये महीने 2 महीने तक इंशाल्लाह अपनी दुम निकाल ले। और वो सबसे टॉप पे जो पीछे बैठा हुआ वो टाइगर है, जिसे मैंने हैंड टेम करने की कोशिश की लेकिन वो मुझसे मतलब मैं टाइम नहीं दे पाया उसको, इस वजह से वो टेम होते होते रह गया वो। अब बेचारे के मैंने विंग्स भी थोड़े से
कार्ड भी इसलिए मैंने नहीं किया। और अल्लाह जाने ये एकदम डर जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ है अभी, एकदम कोई चीज़ नहीं पास से गुजरी। हाँ चील या कौवा आ जाए तो ये बहुत डरते हैं। तो मैंने इनको अलग किया है। अच्छा वो जो मैं आपको टाइगर की स्टोरी बता रहा था वो ये था कि मैंने उसके विंग्स भी काट दिए थे कि वो उड़ ना जाए, तो वो उसके भी पार्ट जो है विंग दोबारा आने शुरू हुए हैं और माशाल्लाह से हेल्दी भी हो गए। विसल आप जैसे सिटी मारेंगे तो आपको ये रिप्लाई देगा। और ये मेरे माशाल्लाह से तकरीबन 2.5 से 3 साल पुराना पियर है मेरा ये, और इसने जब न्यू था मेरे पास तो 6-6 अंडे दिए और 6 के 6 इसमें से चिक्स निकले, ठीक है। और फिर 4 से 5 बार इसने 6-6 चिक्स पूरे कंप्लीट माशाल्लाह से सेहतमंद बच्चे दिए। लेकिन उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता अब ये 3-4 एग ले आउट करता है, उसके बाद हैचिंग जो है वो 2-3 बच्चे से ज़्यादा ये नहीं करता। तो मुझे किसी ने बोला जब इतने हो जाएं तो उसको पियर को चेंज कर दें, तो मैंने बोला नहीं यार ये बहुत पुराना पियर है मेरे पास। एक है मेरे पीछे लगे हुए हैं वो ये पियर मांग रहे हैं, तो देखें अगर मूड बना तो मैं दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको अपने पास ही रखूँगा। तो वो टाइगर ये ब्लू पसनाटा है, इसकी भी बड़ी स्टोरी है। मैंने उसको फर्स्ट जो है मैंने उसको एक लवबर्ड फीमेल दी थी और उसने माशाल्लाह से 2 टाइम जो है वो चिक्स निकाले, और चिक्स में से भी जो है 2 चेरी के बच्चे निकले थे, ठीक है, चेरी लवबर्ड थे। और वो फिर हुआ ये कि मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर गया था पंजाब साइड पर घूमने के लिए, और मैंने अपने भतीजे को बोला था इनके बाजरा पानी चेंज करने के लिए, तो उनसे फीमेल मादा उड़ गई इसकी, तो इनके भी चिक्स जो है वो फिर मुझे देना पड़े किसी को, चेरी के निकले थे। और आज 4 से 5 महीने हो गए मैंने इसको ये फीमेल मादा दिए और इसका कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब ये क्रॉस है फीमेल मादा, इसकी चोंच ख़राब है। लेकिन ये जिससे भी लिए थे उन्होंने बोला कि ये ब्रीड करेगी मादा, तो मैं बहरहाल इसके बाद डाला है मैंने, और ये देखें इंशाल्लाह अभी 4 से 5 मंथ तो हो गए, देखें क्या प्रोग्रेस इनकी आती है। और ये पियर ने माशाल्लाह से सेकंड टाइम जो है वो एग मैंने आपको बताया दिए थे, ये देखें डेट का अगर आ गया आपको, दो हज़ार 2020 के 7वें महीने में इसने 6 तारीख को एग ले आउट किए थे, और फिर जो है 1 मंथ वो एग मतलब उसमें मतलब नहीं हुआ, तो मैंने फिर वो निकाल कर फेंक दिए, उसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने।
और फिर इसने न्यू और एग दिए हैं, वो भी माशाल्लाह से चार ही दिए हैं तकरीबन इन्होंने। मैं आपको शायद दिखाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि रहने दें अभी इंशाल्लाह, जब और 10 to 15 days बाद इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एकदम न्यू फीमेल मादा है, मेल जो है वो अडल्ट है और फीमेल जो है अभी वो 6 to 7 months की है। 8 to 9 months में जो है वो अडल्ट हो जाता है, जबकि ये जो मैं आपको पेयर दिखा रहा था ये फीमेल जो है माशाल्लाह से 6 months में इसने एग ले आउट कर दिए थे और मुझे ख़ुद को भी बहुत हैरत हुई थी, ठीक है। और अभी इसने सेकंड टाइम एग ले आउट कर दिए। अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों जो हैं अलग अलग पेयर के थे, लेकिन सेम मंथ में ये हुए थे, 6 to 5 months के थे ये, और इन्होंने अडल्ट हो गए फौरन और ब्रीड की इन्होंने माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, फिर कोई नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।